इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 के मैच नंबर 56 में 7 मई यानी मंगलवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अगर आप मैच टॉस सेशन की सटीक रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आप अंकित भाई से संपर्क करें, इनका काम बहुत बेहतर है। मैंने खुद इनका काम चेक किया है तो एक बार आप इनसे संपर्क जरूर करें। मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दिल्ली कैपिटल्स की कोशिश अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की होगी। दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने बाकी बचे 3 मैच जीतने होंगे। दूसरी ओर राजस्थान आईपीएल 2024 अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने की कोशिश करेगी। अगर राजस्थान मंगलवार को दिल्ली को हरा देता है तो वह प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन में 11 में से 5 मैच जीते हैं और अंक तालिका में छठे स्थान पर है। उन्होंने अपने पिछले 5 मैचों में से 3 जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 10 में से 8 मैच जीते हैं और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान ने अपने पिछले मैच में 5 में से 4 मैच, दिल्ली और राजस्थान ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ 28 आईपीएल मैच खेले हैं। डीसी ने 13 और राजस्थान ने 15 जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डीसी का अब तक का उच्चतम स्कोर 207 रन है। दिल्ली के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का उच्चतम स्कोर 222 रन है। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 में से 3 मैच में राजस्थान ने जीत हासिल की है। इसी साल 28 मार्च को डीसी और आरआर के बीच भिड़ंत हुई थी। उस मैच में राजस्थान के रियान पराग ने 45 गेंदों में 84 रन की धुआंधार पारी खेली थी। उनकी पारी की मदद से आरआर ने पहली पारी में 185/5 का स्कोर बनाया। डीसी की पारी 173/5 पर समाप्त हुई। रियान पराग प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। कुल खेले गए मैच 8, दिल्ली कैपिटल्स ने जीते 5, दिल्ली राजस्थान रॉयल्स ने जीते 3, कोई परिणाम नहीं 0। डीसी वर्सेस आरआर हेड टू हेड रिकॉर्ड, खेले गए कुल मैच 7, दिल्ली कैपिटल्स ने जीते 2, राजस्थान रॉयल्स ने जीते 5। जेटली स्टेडियम आईपीएल स्टेट्स, खेले गए कुल मैच 87, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच 40, बाद में बैटिंग करते हुए जीते गए मैच 46, पहली पारी का औसत फुल स्कोर 165.89, रन प्रति ओवर 8.46, प्रति विकेट रन 27.45, उच्चतम कुल स्कोर 2024 में डीसी के खिलाफ एसआरएच ने 266/7 का स्कोर किया। न्यूनतम कुल स्कोर 2013 में सीएसके के खिलाफ डीसी ने 83/10 का स्कोर किया। अरुण जेटली स्टेडियम की बाउंड्री छोटी है, इस कारण बल्लेबाजों को बड़े स्कोर बनाने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए आखिरी मैच में 13 विकेट के नुकसान पर 500 में से अधिक रन बनाने थे। इस सीजन 3 मौकों पर 200 से ज्यादा रन का स्कोर बना। रात में ओस की कोई भूमिका नहीं रही तो अरुण जेटली स्टेडियम के विकेट के स्पिनर्स को मदद मिली। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पेंटिंग ने एक दिन पहले खुलासा किया था कि मैच उसी विकेट पर खेला जाएगा जिस विकेट पर डीसी बनाम एसआरएच का मुकाबला हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि विकेट के से स्पिनर को मदद मिल सकती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा बाउंड्री लगाना आसान नहीं।